हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ। आज जो मेरा मेन मकसद है इसको ठीक की वीडियो आपको दिखाने का, वो यही है कि आज मैं आपको कम बजट का घर आपके लिए लेके आई हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि अपने पास कम बजट के भी क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं तो हम उनके लिए ही इस तरह की कोठी लेकर आए हैं। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे 70 गज, 80 गज, 100 गज ये वाली कोठीज अवेलेबल है जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये 70 गज की है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसका जो फ्रंट रहने वाला है 19 रहने वाला है और जो इसका लेंथ रहने वाली है वो इसकी रहने वाली है 33 फिट। और जैसे आप देख सकते हैं ये अपना जो है फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है, काफ़ी शानदार और एलिगेंट डिज़ाइन के साथ ये बनाया गया है। और अगर देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी फेस स्टाइल लगाई है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग वर्क कर रखी है। और सबसे मेन बात ये है इस कोठी की कि इसमें आपको 10 फीट का जो है बर्म मिल रही है जहाँ पे आप अपना जो है ग्रीन एरिया भी इसको बना सकते हैं, वो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। और इस प्रोजेक्ट में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यहाँ से ये जो है इसका रैंप स्टार्ट होता है, रैंप स्टार्ट होते ही आ जाता है आपका मेन गेट। ये देख सकते हैं ये आयरन का गेट यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पे एंटर करते हो अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया की स्पेस की बात करें काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप इजीली अपना 4-व्हीलर इजीली आप पार्क कर सकते हैं, लाइक सिडान कार हो या फिर SUV कार हो, ये वाली चीज़ें आप पार्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो ये 10 फीट की हमारी बर्म रहने वाली है जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ग्रीन एरिया मिल जाता है ताकि ग्रीनरी बने रहें। आप यहाँ पे अपना जो है फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं एंड इवनिंग में बैठ के आप अपनी चाय का आनंद लेना चाहे वो भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये अपना जो था पार्किंग एरिया। इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है हमारा यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आप अपना इन्वर्टर लगाना चाहें इन्वर्टर भी आप लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे मेन स्विच, जो भी हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हम एंकर ब्रांड की प्रोवाइड करवा रहे हैं, देख सकते हैं प्रोवाइड करवा रहे हैं। नट डोर रहेगा और आपका ये वुडन का डोर देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही हमने डोर बंद करते ही अपना इस साइड को आ जाता है किचन एरिया। किचन एरिया देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। तो ये था हमारा किचन एरिया, जैसे कि आपने देखा है तो मैं आपको थोड़ा स्पेस भी दिखाई देती हूँ इसका। तो ये हमारा जो है स्पेस रहने वाला है काफ़ी स्पेशियस है, ये देख सकते हैं। प्रॉपर हमने आपको इसमें हाइड्रोलिक कवर्ड वगैरह दिया है, प्रॉपर आपको कैबिनेट इसी तरह से बने रहेंगे। लेते हैं हम डाउन सीलिंग, ये देख सकते हैं। कभी मैं आपको एक बार स्पेस दिखाई देती हूँ कि किस तरह से हमारा डाइनिंग एरिया रहने वाला है, देख सकते हैं काफी स्पेशियस है देखने में। मैं यहाँ पे अपना आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ
ये अपना जो है 4 BHK हाउस रहने वाला है, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर में एंड 2 BHK अपना फर्स्ट फ्लोर में। ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, देखने में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको जो है अपना बेड भी आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। इस साइड को आपके स्विचेस रहने वाले हैं, अगर इस साइड को देखें तो ये रहने वाले आपको प्रॉपर कबर्ड्स, काफ़ी सामान आ सकता है आपका इसमें। एक्चुअली अभी थोड़ा सा पेंट वगैरह का काम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बेड की बैक में, उसमें भी अभी वॉलपेपर लगना बाकी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ अपनी डाउन सीलिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे आप अपना जो है फैन प्लेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आइए इसी के साथ ही अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका अटैच वॉशरूम, ये हमारा रहने वाला है अटैच वॉशरूम, ये भी सेम एज इट इज इसी तरह से अभी बाथ फिटिंग होनी बाकी है देख सकते हैं आप। स्पेस की बात करें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, 8 फुट तक टाइल वर्क लगाई है हमने इसमें, गीजर के पॉइंट और इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए विंडो। और अपना इस साइड को आ जाता है वॉशिंग एरिया, ये देख सकते हैं आप, ये अपना वॉशिंग एरिया रहने वाला है जहाँ पे आप अपनी जो है वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वॉशिंग एरिया और इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, देखते हैं सेकंड बेडरूम किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों ये आ जाते हैं हम सेकंड बेडरूम में, ये काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप अपना LCD प्लेस करा है बेड के फ्रंट में। अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपको रहेगी वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये आपको एक डोर एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप यहाँ से सीधा अपना गार्डन एरिया में जा सके। और यहाँ से ये वाला जो स्पेस है ये आपका बेड के लिए स्पेस है, पीछे हमने अभी वॉलपेपर और पेंट वगैरह कुछ नहीं करा है, आप अपने बिहाफ में यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये वाली वॉल पे अगर मतलब कबर्ड बनाना तो वो भी बन जाएंगे, बट चार्जेस आपके एक्स्ट्रा रहते हैं। डाउन सीलिंग देखते हैं तो डाउन सीलिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो देखते हैं कि अपना क्या क्या काम है। तो चलिए दोस्तों, तो हम पहुंच गए अपनी बालकनी में, ये हमारी जो है बालकनी एरिया रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर का, जहां पे आप अपने कपड़े वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपना फर्स्ट फ्लोर एंड हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें अपना 2 BHK बना है। तो आइए, ये अपनी जाती है रूफ के लिए स्टेयर्स, तो ये आ जाता है हमारा मेन डोर। एक बार हम मेन डोर का भी डिजाइन आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं हम। तो इसी के साथ ही हम एंटर कर दिया है हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है, काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप इजीली अपना सोफा विद टेबल जो है प्लेस कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल आप प्लेस करना चाहें वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें, ऊपर आपको जो है POP का वर्क मिलने वाला है, जैसे आपने देखा था हमारे ग्राउंड फ्लोर में डाउन सीलिंग का है, बट हमने फर्स्ट फ्लोर में जो है आपको POP का वर्क दे रहे हैं। इसी के साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी हॉल के साथ ही अपना आ जाता है किचन अटैच, तो ये हमारा जो है किचन रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। तो ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे इजीली जो है 2-3 पर्सन इजीली जो है खाना कुक कर सकते हैं। प्रॉपर आपको इसी तरह से जो है ये ग्रेनाइट ग्रे की जो मार्बल है ये रहेगी। और इसी के साथ ही आपको इस साइड को आ जाता है डिश वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आपको 4 टैप्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर विंडो मिल रही है, गीजर के पॉइंट भी आपको ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पे जो ये स्पेस रह रहा है ये अपना रहता है चिमनी का स्पेस, और इसी के साथ ही ऊपर आपको डायरेक्ट चिमनी के स्पेस चिमनी की पाइप के लिए आपको प्रोविज़न दिया है। यहाँ पे आप अपना जो है डबल क्या कहते हैं फ्रिज प्लेस कर सकते हैं, डबल डोर फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम। पहले मैं वॉशरूम में लेना चाहूँगी आपको, पहले मैं आपको बेडरूम और हॉल का कॉमन वॉशरूम दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो है हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, देख सकते हैं एज इट इज़ इसी तरह से मिलने वाला है। अभी यहाँ पे बाथ फिटिंग हुई नहीं है, बाथ फिटिंग भी प्रॉपर हो जाएगी, जो भी हम बाथ फिटिंग आपको करवा के देंगे वो हम आपको सेरा ब्रांड की करवा के देंगे। गीज़र शावर के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड हैं,
तो ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर विंडो मिलने वाली है। तो इसी के साथ ही अब हम लेके चलते हैं, बस बेडरूम रहने वाला है, देख सकते हैं काफ़ी स्पीशियस है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से मिलने वाला है। अगर आप ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे देना चाहते हैं तो रेंटल इनकम इजीली आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था नियर बाय कॉलेज है। अगर ऊपर देखिए, ऊपर आपको जो है POP का वर्क मिलने वाला है, और अगर आप यहाँ पे कबर्ड वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना के दे देंगे, बट उसके चार्जेस जो है आपके एक्स्ट्रा रहते हैं। वेंटिलेशन के लिए भी आपको प्रॉपर विंडो मिलने वाली है। इसी के साथ ही अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपना सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम रहने वाला है, जिट इज सेम इसी तरह से आपको मिलने वाला है। प्रॉपर वेंटिलेशन भी देख रहे होंगे, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिलने वाली है। अगर ऊपर देखें तो ऊपर मिलने वाला है आपको POP का वर्क। तो ये था हमारा 4 BHK का इंडिपेंडेंट हाउसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था 70 गज में ये अपना इंडिपेंडेंट हाउसेस बना है, और अपना इसी के साथ ही अगर आपका बजट ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा बजट के फ्लैट भी अवेलेबल है। अगर कम बजट है, कम बजट के फ्लैट भी अपने पास अवेलेबल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था, क्योंकि हमारे पास कम बजट के भी कस्टमर अवेलेबल होते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है। और इसी के साथ ही अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।